नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन इस महीने के अंतिम या जुलाई फर्स्ट वीक में यानी कि 10 जुलाई तक जारी किए जाने की संभावना है। और आपको बता दें, आज प्रभात खबर पेपर में दिया हुआ है और सीटों को लेकर हमने भी पहले खबर किया था कि लगभग 800 के आसपास सीटें रहेंगी, लेकिन आज पेपर के हवाले से खबर है कि 70वीं बीपीएससी में 1000 पदों पर बहाली होगी। और आपको हम बता दें कि इस परीक्षा में एसडीएम और डीएसपी के अच्छे खासे सीट होने की संभावना है। एसडीएम के सीट आपको बता दें कि पिछले दो सिविल सेवा में बहुत कम रहा या न रहा, डीएसपी का भी काफ़ी कम सीट था। तो आपको बता दें कि जो 70वीं सिविल सेवा होने वाली है इसमें 1000 के आसपास सीट रहेगा और एसडीएम और डीएसपी के सीट जो हैं वो 150 से 250 के आसपास होने की संभावनाएं बताई जा रही है। वजह क्या है? वजह आपको हम बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर केस चल रहा था और इसको लेकर बहुत लंबे समय से जो है वो प्रक्रिया चल रही थी। बिहार सरकार ने इस केस को जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा और इसके बदले में आपको याद होगा कि इसी साल और पिछले साल जो है वो कार्यकारी उच्चतर प्रभार दिया गया, यानी कि जो दरोगा थे उन्हें इंस्पेक्टर में प्रमोट किया गया, जो इंस्पेक्टर थे उन्हें डीएसपी में किया गया, जो डीएसपी थे उन्हें एएसपी में प्रमोट किया गया। क्यों? क्योंकि बिहार में कई साल से प्रमोशन लटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में केस होने के कारण और उसका बिहार ने टेम्प्रोरी जो है उपाय कर लिया है। और ऐसे में मूल कोटी जो होता है, चाहे वो एसडीएम के सीट पर हो या डीएसपी हो, सीटीओ हो या अन्य पद हो, उस पर मूल कोटी में जो है अब बहुत सारी रिक्तियां आ गई हैं जिसको लेकर 70वीं सिविल सेवा के माध्यम से इन्हें भरा जाएगा। आपको बता दें कि 68वीं और 69वीं में बहुत ज़्यादा सीटों की संख्या नहीं रही, 67वीं में अच्छे खासे सीटों की संख्या थी और ऐसे में 70वीं को लेकर ये पहले से ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि कम से कम 700-800 तो सीट रहेगा ही रहेगा। आपको बता दें कि खबरें निकल के आ रही है कि 1000 के आसपास सीट रहेगा और जून अंतिम सप्ताह में, आपको बता दें कि जून अंतिम सप्ताह यानी इसी महीने के अंतिम सप्ताह या जुलाई 10 तक जो है वो नोटिफिकेशन आयोग जो है वो जारी कर सकती है। हालांकि अधियाचना जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा बीपीएससी को भेजा जाएगा, अभी तक नहीं भेजा गया है क्योंकि चुनाव और आचार संहिता अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है। और आपको बता दें कि बहुत जल्द संभावना है, यानी कि 25 जून तक संभावना है कि बिहार सरकार के द्वारा अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और बीपीएससी जो कि सिविल सेवा के लिए 30 सितंबर का पीटी का डेट के लिए जो है निर्धारित कर चुका है। और बता दें कि अभी भी आयोग के सोर्स बताते हैं कि सिविल सेवा को लेकर वो अपने कैलेंडर को मेंटेन करेंगे, यानी कि 30 सितंबर को पीटी परीक्षा हो रही है। तो बता दें जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, बहुत लंबे समय बाद बीपीएससी में 1000 के आसपास सीट रहेगा सिविल सेवा में और ये उनके पास अच्छा मौका होगा सिविल सेवा में चयनित होने का। तो तैयारी में आप लग जाएं और पीटी परीक्षा जिसका पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, पहले से पीटी जो है काफ़ी टफ हो चुका है, निगेटिव मार्किंग भी आ चुका है, तो ऐसे में पीटी परीक्षा पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा के तहत 1000 पदों पर होने वाली है बहाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट होगा हम आपको शुरुआत से देते रहे हैं, आगे भी देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।